या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। राधे राधे। अब हमारा हिंदू नव वर्ष जो है वो 13 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप सबको एडवांस में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, इसलिए नव दुर्गा भी कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि प्रथम नवरात्रि से नवम नवरात्रि तक माँ के किस किस रूप की पूजा की जाती है, क्योंकि 9 दिन तक जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक माँ की नवरात्रि के व्रत करते हैं, नवरात्रि स्थापना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माँ की अपार कृपा पूर्ण वर्ष उन पर बनी रहती है। तो पहला नवरात्रा है माँ शैलपुत्री। शैल अर्थात पर्वत, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में शैलपुत्री मानी जाती है। शिला अथवा पर्वतखंड दृढ़ता का प्रतीक है। शैलपुत्री गोरी के अर्थ में भी बरो तो शंभु न तो रहो कुमारी के संकल्प बल की ही विशेषता है। दृढ़ संकल्प शक्ति लेकिन जड़वत शिला नहीं, मूढ़हट या दुराग्रह नहीं, ब्रह्म जिज्ञासु सत्यान्वेषी संकल्पक बल, यही बल अथवा शक्ति जीवन में पूर्ण सफलता की कुंजी है। दूसरी ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न सृष्टि का संचालन करने वाली माता, इसलिए ब्रह्मा को प्रिय ज्ञान का भंडार, इनका पूजन व जप इत्यादि ब्रह्म मंत्र द्वारा ही किया जाता है। प्रिय आभूषण रुद्राक्ष है, सचिदानंद में ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करना जिनका स्वभाव है वह है ब्रह्मचारिणी। तीसरी चंद्र घंटा, चंद्र घंटेति अर्थात शीतल ज्ञान प्रकाश, ज्ञान विनयशील है अतः इनका प्रभाव चंद्रमा की किरणों के समान शीतल व सौम्य है। सुंदर मन भावन मीठे बोल क्रोध को शांत करने वाली हर संकट से बचाने वाली माता चंद्र घंटा का स्थान कांचीपुरम कर्नाटक राज्य में है। चौथा कूष्मांडा, कूष्मांड चौथा नाम कुंभ भांड अर्थात पिंड में ब्रह्मांड के त्रिविध ताप का अनुभव, संसार की समस्याओं का ज्ञान, वास्तव में प्राचीन ऋषि मुनियों व पौराणिक ग्रंथों का विश्लेषण कूष्मांडा के ही तथ्यों पर आधारित है। श्री योग वशिष्ठ में स्पष्ट लिखा है कि जो कुछ शरीर यानी कि पिंड में है वही प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इनकी पूजा अर्चना त्रिविध ताप का निवारण करने में समर्थ हो जाती है। भीमा पर्वत पर इनका डेरा बताया जाता है। पांचवी स्कंद माता, इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य तथा मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से संभव हुई। कई पहाड़ों पर विराजमान होकर सांसारिक जीवों में नव चेतना उत्पन्न करने वाली ये पांचवी मूर्ति है स्कंद माता। विद्वानों ने कहा है कि सेवकों को पैदा करने वाली है, चेतना और निर्माण करने वाली है ये माता। छठी कात्यायनी, कात्यायन ऋषि के आश्रम में रहकर साधना में प्रयोग करने के कारण इन्हें यह नाम दिया गया। इनका गुण शोध कार्य है। इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी शक्ति का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। शिक्षण व शोध में इनकी कृपा के बिना सब कार्य अधूरे हैं। सातवीं कालरात्रि, अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली दुर्गा जी की सातवीं मूर्ति का नाम कालरात्रि है, अर्थात रात्रि का काल, अंधकार की दुश्मन। कौन? स्वयं प्रकाश या रोशनी। प्रकाश अपने को प्रचारित नहीं करता, उसका तेज स्वतः ही संसार में दीप्तिमान होता है।
भय का नाश करने वाली, काल से रक्षा करने वाली काल रात्रि का सिद्ध पीठ कलकत्ता में है। आठवीं महागौरी। गौरी के तीन रूप है। पहला महागौरी शैलपुत्री माता बनकर महागौरी बनी, दूसरा राज्य कन्या होकर परनकुटी का वरण कर अपने को सर्वहित के लिए भस्मीभूत कर शिव की अर्धांगनी बनी, फिर कार्तिक और गणपति के रूप में समाज के समायोजक और नायक को जन्म दिया। इन सब गुणों से संपन्न लोक शक्ति और नारी शक्ति सर्व रक्षा कर्म होगी, जो सबकी रक्षा करने वाली माता है। वह कुपुत्र का भी वध करेगी। श्री दुर्गा जी की आठवीं मूर्ति महागौरी का प्रसिद्ध पीठ हरिद्वार के समीप कंखल नामक स्थान पर है। तपस्या द्वारा महान गौर वर्ण प्राप्त करने से महागौरी कहलाई। नवी सिद्धि दात्री। श्री दुर्गा जी की नवी मूर्ति सर्व सिद्धियों को प्रदान करने में सक्षम है, इसलिए सिद्धिदात्री नाम से जानी गई। सेवक पर इनकी कृपा होते ही उसके कठिनतम कार्य भी चुटकी बजाते सिद्ध हो जाते हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ विराजमान है। देवी कवच में भी माँ के इन नौ रूपों का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। तो जो भी व्यक्ति माँ की उपासना करता है, इन नव रूपों का ध्यान करता है, आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माँ की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो आप भी नवरात्रि में माँ के इन रूपों का दर्शन कीजिए, व्रत कीजिए, उपवास कीजिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे, जय माता दी।